नमस्ते बालाजी हिंदी टारो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल रीडिंग, जिसमें हम आपकी ओवरऑल एनर्जी चेक करेंगे 21 से लेके 30 तारीख तक की। आपके लिए एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस है, इन दिनों आपको क्या करना चाहिए, साथ ही साथ आपका कोई ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर आप यस नो में ढूंढ रहे थे, और आपका हेल्थ, आपका वर्क लाइफ, आप जो भी करते हो जॉब बिजनेस और आपका फिनेंस, ये जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल तरीके से ही लीजिएगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप इक्यूरियस हो यानी कुंभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। पहले हम चेक करेंगे आपकी ओवरऑल एनर्जी, ये रीडिंग होगी 21 से लेकर 30 तारीख तक की। देख लेते हैं एक्वेरियस यानी कुंभ राशि आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है। देख लेते हैं एक्वेरियस यानी कुंभ राशि 21 से लेकर 30 तारीख तक की आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है। द फूल, मुझे लगता है आप अपने लाइफ में कुछ नया स्टार्ट करने जा रहे हो। बिंदास तरीके से अपने लाइफ को जीने के बारे में सोचोगे। आपके पास ऑप्शन होगा, चाहे ये जॉब हो, लव लाइफ हो, वर्क लाइफ हो, बिजनेस हो, जो भी, और आप किसी एडिक्शन में रह सकते हो। अगर आपका कोई एडिक्शन है जुए की, शराब की, सेक्स की, उसमें भी आप बहुत बुरी तरीके से इन्वॉल्व रहोगे, क्योंकि आप बिंदास तरीके से अपने लाइफ को जीने के बारे में सोचोगे। किसी की रोक टोक के बगैर, किसी की सोच से परे होके, मतलब कोई आपसे कुछ कहेगा तो आप सुनोगे नहीं, और आप इस तरीके से खुद को कंफ्यूज भी कर लोगे कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके पास ऑप्शन रहेगा। मुझे लगता है खास करके लव लाइफ में आपका ऑप्शन रह सकता है, जिसकी वजह से आप थोड़ी बिंदास तरीके से अपनी लाइफ को जीने के बारे में सोचोगे। अभी हम देखेंगे आपका हेल्थ कैसे रहने वाला है। कुछ नया आप करने जा रहे हो, अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीने के बारे में आप सोच रहे हो, ये आपकी ओवरऑल एनर्जी। किसी चीज की अगर आपकी एडिक्शन है तो वो बढ़ेगा इन दिनों, आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। खास करके अगर आपको रिश्ते बनाने की, सेक्स की, कुछ सेक्स की अगर आपको लत है, शराब की, जुए की, जो भी बुरी लत है भाई आपको, वो बढ़ेगा। अभी हम देखेंगे आपका हेल्थ कैसे रहने वाला है। एक्यूरियस हेल्थ में आपको थोड़ी परेशानी रहेगी, खास करके आपकी मेंटल हेल्थ। कुछ लोगों के लिए कुछ छोटी मोटी सर्जरी भी हो सकता है। आपको अपना हेल्थ बैलेंस करके रखना पड़ेगा। अगर आपको डायबिटीज है, कोलेस्ट्रॉल है, कोई लीवर की बीमारी है, स्पाइन से रिलेटेड कोई बीमारी है, तो वो आपको थोड़ा परेशान कर सकता है। इसकी वजह से आपको बैलेंस तरीके से चलना है, अपने हेल्थ का ख्याल रखना है। खास करके मेंटल हेल्थ आपको परेशान करेगा, इमोशनली आपको आपका इमोशन जो है वो ब्रेक डाउन होगा। अगर आपको
किसी से प्यार है या फिर कोई ऐसी कोई बातें जो आपको इमोशनली बहुत ज्यादा हर्ट करता है तो इन दिनों कर सकता है। आपको अपनी लाइफ का जो इमोशनल जो साइड है उसको बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखना पड़ेगा। और आपको अगर डिप्रेशन की बीमारी है तो वो बढ़ सकता है, डिप्रेशन में आप जा सकते हो। कोई छोटी मोटी सर्जरी आपका हो सकता है, कोई कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड, स्पाइन से रिलेटेड अगर आपका कोई बीमारी है तो वो बैलेंस रहेगा, वो ज्यादा उछलेगा नहीं, क्योंकि आप अपना उस हेल्थ का आप ख्याल रखोगे और धीरे धीरे आपका हेल्थ प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाएगा, बहुत खराब नहीं होगा। उन चीजों में आपको ख्याल रख के आप उसे बैलेंस कर पाओगे। अगर आप डायबिटिक हो तो आप इंसुलिन जरूर लेते हो, अगर आपका बहुत ज्यादा डायबिटीज है। अगर आपका स्पाइन की प्रॉब्लम है तो आप उसका ख्याल रखोगे। अगर आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है ओबेसिटी का तो आप उसका ख्याल रख के उसको बैलेंस करोगे। लेकिन अगर आपको इमोशनल प्रॉब्लम है, अगर आपको बहुत ज्यादा मेंटल इशू रहता है तो वो आपको परेशान कर सकता है। और किसी किसी के लिए कोई छोटी मोटी सर्जरी भी हो सकता है। अभी हम देखेंगे आपका वर्क लाइफ। स्टार ये आप ही का कार्ड है, आपको स्टेबल रहना है खुद को। अगर आप पुराने अगर आप जॉब भी करते हो, बिजनेस भी करते हो, दोनों करते हो, तो भी आपको पूरी तरीके से बैलेंस तरीके से काम को करना पड़ेगा। आपका कोई सीक्रेट बाहर आ सकता है या फिर आप किसी बातों को छुपाने की कोशिश कर सकते हो या फिर आपका कोई सीक्रेट बाहर आ सकता है। या तो आपका कोई सीक्रेट रिवील होगा या फिर आप किसी चीज को छुपाने की कोशिश कर सकते हो अपनी वर्क लाइफ में, जॉब लाइफ में। हो सकता है आपने जो पुराने जॉब छोड़ के आए थे वहां से आपको कॉल आ सकता है। आप उस पुराने जगह को दोबारा ज्वाइन करने के बारे में सोचोगे या फिर अगर आपके पास बिजनेस है तो आप पुराने बिजनेस को करने के बारे में सोचोगे। अगर मैं कहूँ कि ओवरऑल जो जॉब बिजनेस जो आपका वर्क लाइफ है उसमें आपको पेशेंस की जरूरत है, बहुत ज्यादा पेशेंस रखनी पड़ेगी, धैर्य रखना पड़ेगा, आपको अपने आप को बैलेंस रखना पड़ेगा। हो सकता है बहुत सारे लोग आपके पीठ पीछे आपके लिए षड्यंत्र रच रहे हैं, आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो आपको उन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। जितना हो सके बैलेंस रह के चलिए, बहुत ज्यादा इम्बैलेंस होने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा लोगों से मिलने जुलने की जरूरत नहीं है। जितना हो सके कम बोलिए, जितना आप कम बोलोगे उतना आपको फायदा होगा। अगर आपका बिजनेस है, आप तो ये कहोगे कि मैम अगर मेरा बिजनेस है तो क्या मैं नहीं बोलूंगी, बोलने से तो काम नहीं चलेगा, ये सच है। लेकिन उतना ही बोलिए जितनी की जरूरत है, क्योंकि कुछ लोग हैं जो आपके पीछे आपके काम को खराब करने के बारे में सोच रहा है। कुछ पुराने दोस्त, पुराने काम, पुराने बिजनेस पार्टनर, पुराने काम की जगह से आपको कॉल आ सकता है जहां आप पहले काम करते थे या फिर जो बिजनेस आप पहले करते थे, जिनके साथ आप पहले काम करते थे, उन सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है। उन लोगों के तरफ से आपके तरफ कॉल आ सकता है। या अगर आप जॉब करते हो साथ में बिजनेस करते हो, लोगों को पता नहीं है तो वो चीज पता चल सकता है। कोई आपके कोई दुश्मन है तो उन चीजों को बाहर करने की कोशिश करेंगे। इसलिए आपको कम बोलना है और अपने आप में रहना है, मेडिटेशन करना है, लोगों से जितना हो सके बिना जरूरत के बात ना किया करें। अभी हम देखेंगे आपका फाइनेंशियल स्टेटस कैसे रहने वाला है। जो
फिनेंशियल स्टेटस है, मुझे लगता है कहीं से कुछ पैसे आने का आपको इंतजार रहेगा। कहीं अगर आपका पैसा अटका हुआ है, कहीं से आपको आपने कहीं पैसा लगाया होगा, ओवरसीज अगर आप बिजनेस करते हो, मतलब कहीं अगर आपका बाहर भी बिजनेस चलता है अपनी कंट्रीज के अलावा, तो वहां से आपको पैसे आने का इंतजार रहेगा, वहां से गुड न्यूज आने का इंतजार रहेगा। वैसे आपका फाइनेंशियल स्टेटस बहुत गिरेगा नहीं, जैसा है वैसा ही रहेगा, लेकिन बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत हाई हो जाएगा ऐसा मैं नहीं कह पाऊंगी, लेकिन कुछ परिवर्तन आपकी फाइनेंशियल स्टेटस में जरूर होगा जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। हो सकता है आप, जैसा कि मैंने कहा कि आपको कहीं से पैसा आने का इंतजार रहेगा, अगर आपने बहुत खर्च कर लिया है तो थोड़ी परेशानी आपको हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा कुछ परेशानी नहीं होगा और बहुत ज्यादा कुछ बढ़ेगा भी नहीं, जो है जैसा है खास करके इन 10 दिनों में वैसा ही रहेगा। और कहीं से पैसा अगर आपका अटका हुआ था तो वो पैसा आपको मिल सकता है। अभी हम देखेंगे आपका वो क्वेश्चन और एंजल का गाइडेंस कि आपको क्या करना चाहिए, देख लेते हैं एंजल की तरफ से। पहले हम देखेंगे आपका वो क्वेश्चन जिसका आंसर मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आपको ये सोच के रखना है, कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको जानना है एंजल्स और जिसका आंसर यस और नो में आएगा, तो शायद अगर आपने वो सोच ही लिया होगा, अगर नहीं सोचा है तो वीडियो को पॉज करें और सोचें, फिर दोबारा से आप वीडियो को देख सकते हो। देख लेते हैं आपका वो काम होगा या नहीं होगा। नो, मुझे नहीं लगता है कि आपका वो काम होगा, लेकिन अभी के लिए नहीं है, कभी नहीं होगा ऐसा नहीं है। अभी अगर आप सोच रहे थे कि ये काम मेरा 7 दिनों में होगा, 10 दिनों में होगा, ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो अभी के लिए ये ना है। और हम देखेंगे कि एंजल आपसे क्या गाइडेंस देना चाहते हैं कि 21 से लेकर 30 तारीख तक की जो वक्त है इसमें आपको क्या करना चाहिए, एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। रिकवरी, एंजल आपसे ये कह रहा है कि जो भी परेशानी आपका चल रहा था वो धीरे धीरे रिकवर होगा, इसके लिए आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा और खुद पर बिलीव रखना पड़ेगा। अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम चल रहा है, कोई भी पैसों की प्रॉब्लम, जॉब में, जैसे कि अभी मैंने देखा आपकी मेंटल हेल्थ का कोई प्रॉब्लम चल रहा है, अगर आपका जैसे कहीं पैसा अटका हुआ है, कोई भी जो भी प्रॉब्लम आपका चल रहा है वो धीरे धीरे रिकवरी होगा, उसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, खुद पर बिलीव रखना पड़ेगा, खुद से प्यार करना पड़ेगा, जिससे आप जिसको आप मानते हो उसी से आप सलाह कर सकते हो, आपको अपने आप से प्यार करना पड़ेगा, अपने आप को खुश रखना पड़ेगा और साथ ही साथ उन चीजों पर आपको बिलीव रखनी पड़ेगी कि जो आप सोच रहे हो वो होगा, लेकिन धीरे धीरे होगा, वो रिकवर जरूर करेगा। इसके बारे में आप परेशान हो रहे हो वो काम आपका होगा, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।